फूलों और मधुमक्खियों का आदिकाल से गहरा और मधुर संबंध रहा है। मधुमक्खियां न केवल पर परागण द्वारा फसलों की उपज और गुणवत्ता में वृद्धि करती हैं, बल्कि हमें शहद, मोम, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, मौनविश और पराग जैसे बहुमूल्य उत्पाद भी देती हैं। मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कृषि के साथ अपनाकर अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। छोटे किसान कृषि के साथ तथा भूमिहीन व्यक्ति भी इसे अपनाकर अपना आर्थिक स्तर ऊपर उठा सकते हैं। मधुमक्खी पालन की तकनीक बेहद आसान है, इसलिए इसे बच्चे, बूढ़े और स्त्रियां भी आसानी से कर सकते हैं। इसे पूर्ण व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है। मौन बक्सा लकड़ी का बना होता है। इसमें होता है एक तलपट्टा, दो बक्से, एक भीतर का ढक्कन और एक बाहरी ढक्कन। इस पर एल्यूमिनियम की शीट लगी होती है जो बारिश के पानी से बचाती है। मधुकक्ष और शिशुकक्ष के बीच में रानी रोकपट लगा दिया जाता है। इसकी जाली इस प्रकार की होती है जिससे रानी मधुमक्खी मधुकक्ष में नहीं जा पाती और मधुकक्ष में अंडे नहीं दे पाती और बगैर ब्रूड को नुकसान पहुंचाए शहद निकाला जा सकता है। इसमें 20 लकड़ी के तार लगे फ्रेम होते हैं जिसमें मोम से बनी शीट, जिसे छत्ता आधार कहते हैं, लगाते हैं। इस पर मधुमक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं जिससे शहद और समय की बचत होती है। छत्ता आधार को मोमी छत्ता आधार मशीन से निकाला जाता है। आवश्यक औजारों में शामिल हैं मधु निष्कासन यंत्र, धुआंकार, नकाब, बक्सा औजार, क्वीन इंट्रोडक्शन केज, चींटी रोग प्याली, मौन पेटिका स्टैंड, ब्रश, छीलन छुरा, पराग इकट्ठा करने का यंत्र, दस्ताना इत्यादि। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए ज्यादा धन की जरूरत नहीं होती। मधुमक्खियों के 5 से 15 वंश खरीदकर इसे शुरू किया जा सकता है। मधुमक्खी के एक बक्से की लागत 600 से 1000 रुपए तक आती है। 5 चौकटे वाली मधुमक्खी के एक वंश को खरीदने पर लगभग 1500 रुपए पड़ते हैं। शुरू में मधुमक्खी पालन कुछ ही उपकरणों के साथ किया जा सकता है जिसकी लागत लगभग 4500 रुपए है। इन 15000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। ये लागत मधुमक्खी पालक एक साल में ही वसूल कर सकता है। 100 वंशों वाले मौनालय के रखरखाव के लिए 2 व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है। भारतवर्ष में मधुमक्खियों की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। पहाड़ी मधुमक्खी यानी एपिस डोरसेटा, छोटी मधुमक्खी एपिस फ्लोरिया, भारतीय मधुमक्खी यानी एपिस सिराना और यूरोपियन मधुमक्खी यानी एपिस मेलिफेरा। इनमें से 2 जंगली हैं यानी पहाड़ी और छोटी मधुमक्खी तथा भारतीय और यूरोपियन मधुमक्खियां पालतू हैं। पहाड़ी मधुमक्खी जंगली होती है और आकार में अन्य सभी प्रजातियों से बड़ी होती है। ये अपना छत्ता पेड़ों और ऊंची इमारतों पर बनाती हैं। छोटी मधुमक्खी भी जंगली मधुमक्खी है और आकार में सबसे छोटी होती है। भारतीय मधुमक्खी प्राकृतिक रूप से पेड़ों के खोखलों, तनों और पहाड़ों की दरारों आदि में छत्ते बनाती है। ये पालतू मधुमक्खी है और इसे पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों में पाला जाता है। इससे औसतन शहद लगभग 7 से 10 किलो प्रतिवर्ष प्रति वंश प्राप्त किया जा सकता है। यूरोपियन मधुमक्खी यानी एपिस मेलिफेरा एक पालतू मधुमक्खी है और इससे औसतन शहद पैदावार लगभग 15 से 20 किलो प्रतिवर्ष प्राप्त हो जाती है। इसीलिए एपिस मेलिफेरा का भारतवर्ष में लाने का सबसे पहला प्रयास श्री घोष ने 1920 में किया। सन 1962 में डॉक्टर अठवाल के प्रयासों से नगरोटा हिमाचल प्रदेश तथा 1965 में लुधियाना पंजाब में इस मधुमक्खी को सफलतापूर्वक स्थापित किया जा सका। मधुमक्खी परिवार में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। रानी मधुमक्खी, एक वंश में केवल 1 रानी मधुमक्खी होती है। यह आकार में सबसे बड़ी तथा भूरे से काले रंग की होती है। रानी कॉलोनी की शिशु पालन क्षमता को ध्यान में रखकर ही अंडे देती है। जब वातावरण अनुकूल होता है और भोजन के पर्याप्त साधन उपलब्ध होते हैं तो एक दिन में मेलिफेरा के मौन की रानी 1500 से 2000 तक अंडे दे सकती है। रानी मधुमक्खी 2 से 3 साल तक जीवित रहती है। मजदूर मधुमक्खी का आकार कॉलोनी में सबसे छोटा होता है। मधुस्राव के समय भारतीय मौन के वंश में 15,000 से 30,000 और मेलिफेरा में 30,000 से 80,000 तक इनकी संख्या हो सकती है। कॉलोनी में लगभग सभी काम कमेरी मधुमक्खियां ही करती हैं। इनकी आयु आमतौर पर 6 सप्ताह होती है। ये नर मक्खी है जो आकार में रानी मक्खी से छोटी और मजदूर मक्खी से बड़ी होती है। इनकी आंखें काफी बड़ी होती हैं। नर मक्खी के डंक नहीं होता। इनकी संख्या एक कॉलोनी में 100 से 1000 तक हो सकती है। इनका काम संभोग ऋतु में केवल रानी से संभोग करना है। ये न तो फूलों से शहद एकत्र कर सकते हैं और न ही मोम बना सकते हैं, इसलिए इन्हें निखट्टू भी कहते हैं। सामान्य तौर पर नर मधुमक्खी का जीवन काल 56 से 60 दिन का होता है। मधुमक्खी के कुछ दुश्मन हैं जिनमें ग्रीन बी ईटर, चींटी, ततैया और मोमी पतंगा मुख्य हैं।
इनसे मधुमक्खियों को बचाना चाहिए। माइट के आक्रमण पर मधुमक्खियां उड़ नहीं सकती और बक्से से गंध आती है और अंदर गंदगी दिखाई देती है। इसकी रोकथाम के लिए 200 मिलीग्राम से 1 ग्राम सल्फर प्रत्येक चौखट के टॉप बार्स पर डालें। तलपट्टे की सफाई करने से तथा खाली छत्ते को निकालने से मोमी पतंगों और दूसरी बीमारियों से बचाया जा सकता है। मधुमक्खियों द्वारा फूलों से एकत्रित मकरंद से तैयार किया हुआ मीठा, गाढ़ा और सुगंधित पदार्थ शहद कहलाता है। शहद को सफल शिशु आहार माना जाता है। मधुमक्खी फूलों से मकरंद चूसती हैं और छत्तों के कोष्ठों में उंडेल देती हैं। शुरू में इसमें पानी की मात्रा लगभग 40-60% तक होती है और जब पानी की मात्रा घटकर 16-20% रह जाती है तब उसे मोम की टोपियों द्वारा बंद कर देती है। इसे परिपक्व या तैयार शहद कहते हैं। अपने भोजन के लिए ये फूलों से पराग लाकर अपने छत्ते में इकट्ठा करती हैं। मोम का मूल्य शहद से भी ज्यादा है। ये कमेरी मधुमक्खियों द्वारा तैयार किया जाता है। राज अवलेह या रॉयल जेली को एक स्फूर्तिदायक एवं औषधि युक्त तत्व माना गया है। रॉयल जेली में जल, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और कई अन्य तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, बी, सी, डी और ई भी इसमें पाए जाते हैं। प्रोपोलिस एक गहरे भूरे रंग का तथा गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ है। मेलिफेरा जाति की मधुमक्खियां ही प्रोपोलिस एकत्रित करती हैं। प्रोपोलिस में बैक्टीरिया और फफूंदी रोधक गुण पाए गए हैं और ये कई रोगों के उपचार में काम आता है। मधुमक्खी अपने शत्रुओं से बचाव के लिए डंक का इस्तेमाल करती हैं। जब मधुमक्खी डंक लगाती है तब विष बाहर आ जाता है। डंक लगाने के बाद मधुमक्खी मर जाती है। मौन विष निकालने के लिए बी वेनम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग करते हैं जिससे मौन विष भी निकल आता है और मधुमक्खियां मरती भी नहीं। मौन विष कई रोगों जैसे संधिवात, गठिया और जोड़ों के दर्द के उपचार के लिए काम आता है। भारत वर्ष में अभी तक केवल शहद और मोम का उत्पादन ही लिया जा रहा है। बहुत सी फसलों और पेड़ों पर फल एवं बीज बनने के लिए परागण आवश्यक होता है। फूलों के नर भाग से परागकण मादा भाग तक पहुंचाने में कीट और वायु मुख्य हैं। पर परागण में मधुमक्खियां बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। मधुमक्खियां पर परागण के द्वारा फसलों और फलों की पैदावार बढ़ाती हैं। मधुमक्खी का अहम रोल है फसलों की पैदावार में, खासकर सब्जियों में और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में। इसके अलावा जो भी फसल जिसमें क्रॉस पोलिनेशन होती है, जैसे सरसों है, बरसेम है, लूसरन है, जितनी भी फसलें हैं ये, उनमें सब में मधुमक्खी एक अहम रोल प्ले करती है। इसके लिए कुछ रिसर्चेज की जरूरत है, उदाहरण के तौर पर कि हम ऐसी वैरायटी ईजाद करें जिसमें नेक्टर ज्यादा से ज्यादा हो ताकि मधुमक्खी उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। पॉली हाउस में भी पर परागण के लिए मधुमक्खियां बहुत उपयोगी साबित हो रही हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत वर्ष में उपलब्ध मौनचरों का 1/4 हिस्सा ही मधुमक्खियों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है और बाकी बचे मौनचरों पर लाखों मधुमक्खी वंश पाले जा सकते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए किसी मधुमक्खी संस्थान में मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त करना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण किसी सरकारी संस्थान से लिया जाए तो अच्छा रहता है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में भी मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं 79 तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो मधुमक्खियों की ट्रेनिंग लेके 5 बक्सियां तो अपना मधुमक्खी जो कारोबार है शुरू किया। तो इन 5 बक्सियां तो बनाते बनाते 1988 तक मेरे को 100 बक्सा हो गया सी। अधिकतर मधुमक्खी पालक शहद को खुला बेचते हैं जिससे उनको भाव कम मिलता है। यदि मधुमक्खी पालक एगमार्क लेने के बाद बोतलों में पैक कर उसे बेचे तो इस तरह भाव अच्छा मिल जाता है। ईश्वर सिंह यादव जो एक प्रगतिशील किसान है, एगमार्क लेने के साथ साथ इनके पास एक लेबोरेटरी है जिसमें अपनी शहद की गुणवत्ता की जांच करते हैं और मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण भी देते हैं। यदि शहद काफी मात्रा में है तो इसे मधुमक्खी पालक अपने प्रोसेसिंग प्लांट से प्रोसेस कर एगमार्क लगाकर बेच सकता है या फिर निर्यात भी कर सकता है। ये फैक्ट्री एक ऐसे किसान की है जिसने 50 बक्सों से काम शुरू किया और बहुत ही कम समय में इसे पूर्ण व्यवसाय का रूप दिया। जगजीत सिंह कपूर आज 50 करोड़ रुपए का शहद निर्यात कर रहे हैं और इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिला है। मैंने 50 बक्से से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और मेरी पिछले साल की कोई सेल कोई 41 करोड़ रुपए की है और इस साल की एक्सपेक्टेड है कि 60 करोड़ के ऊपर सेल होगी। हम सीजन में 50-60 टन शहद डेली प्रोसेस करते हैं, पैक करते हैं, बोतलों में पैक करते हैं, ड्रम्स में पैक करते हैं, ये सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोमी छत्तों से शहद निकालने के बाद निकले मोम को बेचकर आय ली जा सकती है। मधुमक्खी पालक स्वयं मधुमक्खी के नए वंश बनाकर बेच सकता है।
पॉलन ट्रैप यानी पराग यंत्र द्वारा पराग को एकत्रित करके बेचा जा सकता है और मधुमक्खी पालक केवल रानी मधुमक्खी को भी बक्सों में तैयार करके और बड़े पैमाने पर इसे लैब में तैयार करके बेच सकता है। ये आय का एक बढ़िया साधन है। अच्छे स्वास्थ्य और गुणों वाली रानी मक्खी कृत्रिम गर्भाधान द्वारा भी तैयार की जा सकती है। मधुमक्खी का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने के लिए जो इक्विपमेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस प्रकार है। इसमें एक तो माइक्रोस्कोप है और उसके अतिरिक्त ये दो हुक्स हैं जिससे हम इस स्थान पर रानी मधुमक्खी रखते हैं। इन हुक्स से हम इसका जेनिटल अपर्चर ओपन करते हैं और उसके पश्चात माइक्रोस्कोप के जरिए हम इनको देखते हैं। सीमन के लिए ये सिरिंज है, इस सिरिंज के जरिए हम मधुमक्खी में सीमन दे देते हैं। मधुमक्खी पालक मधुमक्खी बक्सों को दूसरे किसानों की फसलों या बागों में पर परागण के लिए किराए मधुमक्खी के उपकरण बनाकर और उसे बेचकर भी आय ली जा सकती है। मैंने बी कीपिंग इक्विपमेंट बनाना शुरू कर लिया और जिसमें हनी एक्सट्रैक्टर है, कॉम फाउंडेशन मिल रहा है, क्वीन एक्सप्लोडर है, स्मोकर है, सबसे बड़ा हमारे पास हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। मधुमक्खी पालन में लकड़ी का बक्सा महत्वपूर्ण है। इस व्यवसाय में लकड़ी लाने और बक्सा बनाने तक बहुत से मजदूरों और कामगारों की आमदनी का भी एक अच्छा साधन है। मौनचर वो वनस्पति या पौधे होते हैं जिनसे मधुमक्खियां अपना भोजन इकट्ठा करती हैं। कुछ मौनचरों में मधुमक्खियों को पर्याप्त मात्रा में पराग या मकरंद या दोनों उपलब्ध होते हैं। भारतवर्ष के मुख्य मौनचरों की सूची: तिलहन फसलें, सरसों, तोरिया, तिल, सूरजमुखी इत्यादि। बीज वाली सब्जियां, फूल एवं बंद गोभी, मूली, गाजर, धनिया, प्याज, सौंफ आदि। चारे वाली फसलें, मक्का, बाजरा, बरसीम, ल्यूसरन इत्यादि। बेल वाली सब्जियां, घिया, टिंडा, तोरी, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज आदि। अन्य फसलें, अरहर, चना, मूंग, ग्वार, ईसबगोल, कपास, कॉफी, इलायची, रबड़ इत्यादि। फलदार पेड़, लीची, बेर, कीनू, संतरा, नींबू, मौसमी, जामुन, इमली, आंवला, अनार, नाशपाती, पपीता, सेब, अमरूद, काजू, बादाम, खजूर, नारियल आदि। जंगली पेड़ व खरपतवार, सफेदा, नीम, अर्जुन, सेमल, कीकर, शीशम, सहजन, तुन, रीठा, शहतूत, करंज, महुआ, एकासिया, शैन इत्यादि। सजावटी फूल, गेंदा, डेलिया, कॉस्मोस, पेंटास इत्यादि। विभिन्न ऋतुओं में ध्यान देने योग्य कुछ मुख्य बातें हैं: ग्रीष्म ऋतु में मौन वंशों को अधिक गर्मी से बचाने के लिए मौनालय छायादार स्थान पर होना चाहिए। इसके लिए मौन वंशों को पेड़ की छाया या अस्थायी तौर पर सूखे घास फूस और टहनियों आदि से बनाई गई छत के नीचे रखें। मौन गृह को बोरी से चारों तरफ से ढककर तथा बोरियों पर दोपहर और दोपहर बाद पानी डालने से भी तापमान में कमी आती है, मगर ध्यान रखें प्रवेश द्वार खुला रहे। मौनालय के समीप पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि मधुमक्खियां पानी इकट्ठा करके मौन गृह का तापमान अपने अनुकूल बना सकें और इसे शहद में मिलाकर शिशुओं को दे सकें। मधु निष्कासन के समय वंश की आवश्यकता अनुसार मधु भंडार छोड़ देना चाहिए। मौन वंश में अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध न हो तो कृत्रिम भोजन की व्यवस्था करें। वर्षा ऋतु में मौन गृह को खुली हवा और छाया वाले स्थान में रखें। तेज बौछारों और आंधी से मौन गृह का बचाव करें। शरद ऋतु में मौन वंशों को ठंडी हवा से बचाना चाहिए। मधुस्राव के समय मौन वंशों में पर्याप्त मात्रा में बने छत्ते या मोमी शीट लगे फ्रेम देते रहना चाहिए। ऐसा करने से मौन वंश में रानी द्वारा अंडे देने, शिशुपालन तथा भोजन संग्रह के लिए पर्याप्त स्थान रहता है। अन्यथा मधुमक्खियां बगैर चौखटों के फालतू छत्ते बना लेती हैं जो मधुमक्खी पालक के लिए अच्छा नहीं रहता। मौन वंश का थोड़े थोड़े अंतराल पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। मौन वंशों में पर्याप्त मात्रा में शहद होने पर इसका निष्कासन करते रहना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का ये प्रयास है कि देश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाए जिससे पर परागण द्वारा खाद्यान्न उत्पादन बढ़े और रोजगार के अतिरिक्त अवसर भी पैदा हों तथा मधुमक्खी पालन को एक पूर्ण व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सके।